Hello students, this is lecture number 3 on the topic production function. Okay, in the previous lecture we have understood about law of variable of proportion and अपन ने ये देखा था कि कितनी stages हैं बेटा, उसमें 3 stages हैं. Okay, MP के according we have taken that if there are 3 stages, that are first कौन सी थी बेटा, increasing return, second थी आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और लास्ट में आपकी कौन सी थी बेटा, नेगेटिव रिटर्न. याद आ रहा है, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, नेगेटिव एंड नेगेटिव. ओके, सो ये आपकी तीन स्टेजेस अकॉर्डिंग टू योर एमपी, एंड लास्ट आई हैव डिस्कस अबाउट द टू स्टेजेस इन डिटेल. सो ये वापस आपकी स्टेजेस दिखा रहा हूँ, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर. तो बेटा रिएक्शन क्या चल रहा है टीपी एपी और एमपी में? सी हियर, रिएक्शन टीपी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, एपी आल्सो इंक्रीजेस एंड रीचेस इट एट मैक्सिमम पॉइंट, एंड एमपी आल्सो रीचेस एट मैक्सिमम पॉइंट इन द फर्स्ट स्टेज, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर. डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, टीपी इंक्रीजेस पर उसका जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रेट पे, और फिर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा. हियर एपी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड हियर एमपी आल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग एंड बिकम्स जीरो. ओके, सेकंड स्टेज में इट बिकम्स जीरो, नेगेटिव. टीपी विल स्टार्ट्स फॉलिंग, बट कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो फॉल जरूर होगा, लेकिन इट विल नेवर बी टर्न आउट टू बी नेगेटिव, और इट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो. ओके, टीपी विल नेवर बी इक्वल टू जीरो. Is this clear? TP कभी भी zero. Yes, sir. Okay. Now moving on to the AP. AP also in negative return. AP also falls. Okay. AP also falls. And here MP. What about MP beta? MP जो होगा वो क्या हो जाएगा? Negative turnout हो जाएगा. Okay. So these were your TP, AP and MP's reaction. Now here is one of the problem. आपको निकालना है TP. And the stage of variable proportion. आपके सामने क्वेश्चन है, सॉल्व इट एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर यू. सी स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी. नाउ इन दिस क्वेश्चन आई हैव बीन गिवन एमपी, एंड द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ एमपी विद टीपी इज समीशन ऑफ एमपी विल गिव मी टीपी. तो मुझे सारे एमपीज को ऐड करते जाना है. तो फर्स्ट वाला तो 8 ही हो गया. अब 8 प्लस 12 करो कितना हुआ, 20. 20 प्लस 16 करो कितना हुआ, 36. 36 प्लस 12 करो कितना हुआ, इतना एडिशन सिंपली कर पा रहे हैं अपन, 48 प्लस 8 कितना हुआ, 56. यहाँ पे तू मात खा गया. 56 प्लस 4 कितना हुआ, 60 प्लस 0 कितना हुआ, 60 होगा. 60 कर सकते हो आपका जब एमपी राइजिंग स्टेज पे. तो यहाँ पे देखो, एमपी इज एट राइजिंग स्टेज, 8, 12, 16 ये अपना फर्स्ट इंक्रीजिंग स्टेज था. Then, उसके बाद डिमिनिशिंग स्टेज कब हुई, 12 से लेके 0 तक, जब आपका एमपी फॉल होना स्टार्ट हुआ और 0 पे खत्म हुआ, तब ये वाली स्टेज जो थी, दिस वाज द डिमिनिशिंग स्टेज. ओके, और लास्ट वाली जो नेगेटिव स्टेज है वो आपकी स्टार्ट हुई इस वाले पॉइंट पे, दैट इज -4. खत्म. इतना इजी क्वेश्चन था बेटा ये तो, आपको सिर्फ ऐड करना है बेटा. एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम. And always mention the formula. Formula must be mentioned. What is the formula? Tell me. Summation of MP is giving out total TP. So MP ko add karte jao, to aapke paas TP aayega. Clear? Let us start with some more problem. True and false. When there is diminishing return to a factor, TP always decreases. क्या बोल रहा है, जब आपकी सेकेंड स्टेज है, when your second stage is going on, क्या TP decrease होता है कि increase होता है? Decrease होता है. TP decrease होता है. Sure, diminishing stage में.
यस सर, एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, डीपी, डीक्रीज डीपी यस सर, डीपी भी होता है सर, डिक्रीज बेटा, टीपी इट इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. आपने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या देखा? नाउ जस्ट लेट मी शो यू द लास्ट स्लाइड. ये वाले क्वेश्चन में देखो, आपका टीपी कहीं पे भी डिक्रीज हुआ है क्या? टीपी तभी डिक्रीज हुआ जब एमपी नेगेटिव हुआ. यहाँ तो देखो टीपी हमेशा इंक्रीज हो रहा है, 8, 20, 36. जब इंक्रीजिंग रिटर्न है तब भी इंक्रीज हो रहा है. डिमिनिशिंग रिटर्न में एमपी फॉल होना स्टार्ट होता है, टीपी तो अभी भी इंक्रीज ही तो हो रहा है. टीपी क्या फॉल हुआ क्या? बस सर 7 के बाद तो फॉल हुआ ना. अरे तो 7 के बाद तो, 7 के बाद तो डिमिनिशिंग स्टेज खत्म हो गई, तो नेगेटिव स्टेज आ गई. क्वेश्चन क्या है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि डिमिनिशिंग स्टेज तक क्या टीपी फॉल हुआ क्या? बताओ अब आंसर क्या है. डिमिनिशिंग स्टेज तक क्या टीपी फॉल हुआ क्या बेटा? नो सर. सो डिमिनिशिंग स्टेज तक टीपी फॉल नहीं होगा, टीपी इंक्रीज होगा. इंक्रीजिंग जब रिटर्न चल रहा है बेटा तो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे. देखो यहाँ पे जब 12, 16 तक था तो यहाँ पे टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग. जैसे समझते हो गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाते गए, पहले 8 किलोमीटर फिर 12 किलोमीटर फिर 16 किलोमीटर. तो आप अपनी जैसे ही स्पीड बढ़ाते जाते हो तुम तो डिस्टेंस तो कवर कर ही रहे हो ना. फिर भले ही सामने अगर स्पीड ब्रेकर आ गया तो क्या तुम चलना बंद कर दोगे क्या? अपनी स्पीड क्या कर लेते हो, कम कर लेते हो ना. सो हियर आफ्टर रीचिंग टू अ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एमपी वो अपनी स्पीड कम कर लेता है, पर क्या डिस्टेंस खत्म हो जाती है क्या उसकी? टीपी तो बढ़ना चल रहा है ना, टीपी तो इंक्रीजेस, टीपी स्टिल इंक्रीजेस. पर जब नेगेटिव हो जाएगा एमपी तो जाके टीपी में फॉल आएगा बेटा. आया? यस. ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे था दैट योर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, टीपी का डिक्रीज हो रहा है क्या? नहीं, टीपी डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है पर डिमिनिशिंग रेट पे. क्लियर? टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज ओनली वेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस. बताओ टोटल प्रोडक्ट क्या तभी इंक्रीज होता है जब एमपी इंक्रीज हो? जब एमपी फॉल होता है तब टीपी इंक्रीज नहीं होता है क्या? फॉल्स. क्यों हुआ फॉल्स? क्योंकि सिंपली टीपी कैन इंक्रीज इवन अगर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तब भी टीपी इंक्रीज होगा, पर उसका जो रेट होगा वो डिमिनिशिंग रेट हो जाएगा. दिस इज अगेन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. नेक्स्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, इंक्रीज इन टीपी ऑलवेज इंडिकेट दैट देर आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर. मतलब जब जब टीपी इंक्रीज होगा तब तब इंक्रीजिंग फैक्टर ही रहेगा क्या? डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं आएगा क्या? टेल मी. फॉल्स. फॉल्स, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न में भी टीपी क्या हो रहा है? इंक्रीज. इट इज नॉट नेसेसरी इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट ऑलवेज इंडिकेट्स देयर इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ फैक्टर बिकॉज टीपी ऑल्सो इंक्रीजेस इन अ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर. तो डिमिनिशिंग में भी इंक्रीज होता है वो. Coming to next question of true and false, beta. When there is diminishing return to a factor, MP and TP both always fall. जब diminishing return है, मतलब जब second stage है, तो MP भी fall हो रहा है और TP भी fall होता है. क्या ये correct है statement? No sir, false. तो क्या सिर्फ correct है? सिर्फ MP fall होता है. MP fall होता. हाँ, TP तो अभी भी increase हो रहा है, but increasing rate is diminishing. Next problem in front of you students. Total product always increases whether there is increasing return or decreasing return to a factor. ये वही statement repeat हुआ. अच्छा हाँ, ये statement अब twist हुआ है. TP always increases, चाहे वो increasing return हो चाहे diminishing return हो. हाँ, yes it is true. Increasing return पे भी TP increase हो रहा है increasing rate पे, और diminishing return पे भी TP increase हो रहा है पर at a diminishing rate. So this statement is true that till both the stages TP increase होता है, और जब negative stage आती है बेटा तो जाके आपका TP क्या होता है, fall होना start हो जाता है. Clear? Yes. Yes sir. चलिए moving further. One more problem in front. This will be the last problem.
when MP is constant, TP also remains constant. मतलब वो बोल रहे हैं कि जब MP 10, 10, 10, 10 रहेगा तो TP भी 10, 10, 10, 10 रहेगा. ऐसा होता है क्या? False. क्योंकि भले ही MP constant हो, मानो कि भले MP 10, 10, 10 है तो TP 10, 10 से increase हो जाएगा. पहला 10 हो जाएगा, फिर 20, फिर 30, 20, 30, 40. तो TP तो increase होगा. Okay? So this is false, that the marginal product is constant, but total output increase will be at constant rate. चलिए, moving further. One more problem is in front of you. Let us see what problem has been there. And see, when TP is at maximum, MP is also increasing. मतलब जब TP maximum point पे आ जाता है, तब MP तब MP increase हो रहा है. बताओ. True or false? True. सोचो, when TP reaches its maximum point, MP is also increasing. True. False, sir. False, क्योंकि when TP is at maximum, MP zero हो जाता है बेटा. That is a relationship between TP and MP. Moving on to the next topic, that is causes of increasing return to a factor. What are the causes? सबसे पहला cause है बेटा आपका better coordination. Second is underutilization of fixed factor. And second, last third one is specialization and division of labor. अब increasing return का मतलब क्या है बेटा? Increasing return simply means my MP is increasing. तो उसके क्या causes हैं कि MP increase हो रहा है? तो पहला cause क्या बोला? There is better coordination. Now let us understand this by particular presentation. तो first क्या बोला कि जो coordination है, किसके बीच में coordination की बात हो रही बेटा? Coordination between variable and fixed factor. The additional applicant of the variable factor in the initial stage tends to improve the degree of coordination between fixed and variable factor, causes total output to increase at an increasing rate. चलो एक example से समझते हैं. तुमने सब ने विलेज पालमपुर की स्टोरी सुनी थी क्लास 9th में, याद आ रहा है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर? Yes, sir. तो yes, उसमें अपन ने देखा था कि एक फार्मर लैंड पे काम कर रहा है. अब अगर एक फार्मर कर रहा है तो उसका आउटपुट 10 है. कल एक और फार्मर आ जाएगा तो आउटपुट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बताओ. इंक्रीज. तो मान लो जहां पहले 10 केजी मिलता था, अब उनको 15 और मिलके, अब दोनों मिला के 25 का कर रहे हैं. फिर उन्होंने एक और फार्मर को अपने साथ ले लिया. अब आउटपुट 25 के बाद 20 प्लस कर दिया उसने और अब आउटपुट हो गया 45. पर यही मैक्सिमम कैपेसिटी थी, बस फार्म यार्ड की यही मैक्सिमम कैपेसिटी थी. अब अगर वो किसी और पर्सन को लेकर आएंगे, मान लो कि एक और फार्मर को लेकर आ गए, तो उसने आके इनके कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब कर दिया और आउटपुट क्या हो गया? कम हो गया. 45 की जगह अब जहां आउटपुट था 20 से बढ़ रहा था, पहले 15 से बढ़ रहा था, अब आउटपुट सिर्फ 5 से बढ़ा और आउटपुट अब आ गया 45 से 50 पे. तो जब बेटर कोऑर्डिनेशन है इनके बीच में, इनके बीच में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, तब आपका एमपी क्या होगा? एमपी विल इंक्रीज. ओके, देखो देखो यहाँ पे, एज यू कैन सी देयर इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, दैट्स व्हाई एमपी इज इंक्रीजिंग. कमिंग टू सेकेंड, दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. अभी इनिशियली जो आपका फार्म था उस पे एक फार्मर आ रहा था तो बहुत कम लग रहा था, क्योंकि एक फार्मर आराम से उस फार्म लैंड को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है. वो यूटिलाइजेशन अंडर यूटिलाइजेशन पे. पर जैसे ही दूसरे फार्मर्स आ जाएंगे, ये दूसरा फार्मर आया, ये तीसरा फार्मर आया, तो जैसे जैसे फार्मर्स आते जाएंगे तो जो अंडर यूटिलाइजेशन है ऑफ फिक्स फैक्टर का, वो सही से यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई एमपी विल इंक्रीज. लास्ट, greater application of one of the variable factor leads to fuller utilization. मतलब जैसे जैसे variable factor जुड़ता जाएगा, उसका utilization बढ़ता जाएगा. Coming towards the last, that was S, specialization and division of labor. भैया हर एक labor को अपना काम पता है, क्योंकि कोई disturbance करने वाला नहीं है. जितना कम लेबर है उतना इफिशियंटली काम होता है, जितने ज्यादा लेबर होता है उतना ही काम डिफिकल्टी से होता है. सो इनिशियली when only one labor was working,
ऑल द एक्टिविटीज वर डन बाय हिम, जैसे यहाँ पे देखो प्लॉइंग करना, वॉटरिंग करना, सोइंग करना, पर जैसे जैसे ही लेबर बढ़ते गए सबने अपने काम बांट लिए। देखते हो ना फैक्ट्री में, चलो अभी फार्म यार्ड का ना लेते हुए एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन सिर्फ पैकिंग ही करेगा, वो पैकिंग के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं, एक पर्सन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं, तो इससे क्या हो जाता है सालों साल वो यही कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनका स्पेशलाइजेशन उस चीज में बढ़ जाता है, तो दिस विल लीड टू स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर। So this was beta today's topic. अपन ने यही समझा and we have understood the reasons of increasing return to a factor. Okay? So what are the increasing return to a factor? सबसे पहला BUS. क्या है B से U से S से बताओ? Better utilization. Better utilization of यहाँ better. Better coordination. Okay? और उसके बाद U से अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर जो था ना वो अंडर यूटिलाइज था, और एस से क्या है बेटा बताओ? स्पेशल स्पेशलाइजेशन ऑफ देयर पर्टिकुलर इफर्ट्स। सो दिस वी आर एंडिंग टुडेज सेशन ऑन दिस नोट ओनली। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर and do subscribe my channel and hit the bell icon for more further updates.